नेक्स्ट क्वेश्चन दो हज़ार सत्रह का सवाल है क्वेश्चन से सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर्स स्लाइटली। वन ऑफ दैम इज माइनस ई अदर इज ई प्लस डेल्टा ई इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेज एट अ डिस्टेंस डी मच ग्रेटर देन हमें दिया हुआ है कि डी इज मच ग्रेटर देन द एटोमिक साइज अपार्ट इज ज़ीरो देन डेल्टा ई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ और हमें यहाँ पर मास दिया हुआ है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन ऐटम वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू ट्वेंटी फॉर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी ना सिंपल सवाल है इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन दोनों के यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें इस्तेमाल करने हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है पड़ेगी ठीक है थीके? सवाल मुश्किल नहीं है सो so, सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपका एक हाइड्रोजन ऐटम है हाइड्रोजन uh, ऐटम में यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं है हाइड्रोजन ऐटम में ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है एक प्रोटॉन होता है ये बात अपने को पता है तो इसका जो क्यू नेट चार्ज है उससे हम लिखते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें कहा है कि उसे स्लाइटली हम डिफरेंट मतलब एक की वैल्यू माइनस ई है सो तो इसको आप लिख सकते हैं ई प्लस डेल्टा ई प्लस माइनस ई सो उससे आपका नेट चार्ज हो गया डेल्टा क्यू ई आपका नेट चार्ज हो जाएगा अब आपके दो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे रखे हुए हैं थोड़ी दूरी पे डिस्टेंस इसको हमने दिया हुआ है ले सकते हैं सो so, यहाँ पे इनकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू के दोनों का चार्ज है डेल्टा क्यू इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना ये कहते हैं इस सिचुएशन में कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डिफरेंस है वो दोनों जीरो हैं यानी कि दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम लिख सकते हैं जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी का स्क्वायर ना अगर इस दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो यहाँ पे डी स्क्वायर विल गेट कैंसिल और जो अपने ई स्क्वायर ई स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी सो डेल्टा ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय के का अंडर रूट यह अपनी डेल्टा ई का रेंज हो जाएगा हमें बस यहाँ वैल्यू रख के ये अंदाज़ा लेना है कि किस रेंज में आएगा हाँ सो so, इसमें अगर हम वैल्यू रख दें अंडर रूट में तो ये हो जाएगा सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस इलेवन मल्टीप्लाइड बाय एम का स्क्वायर हो गया वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी सेवन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय के के की वैल्यू हमें पता है नाइन इंटू टेन टू पावर नाइन होती है तो इसमें सबसे पहले तो नाइन सॉरी टेन की पावर वाली टर्म बाहर निकाल लेते हैं सो so, इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन मल्टीप्लाइड बाय वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू वन पॉइंट सिक्स सेवन डिवाइडेड बाय नाइन ये तो आपका ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय टेन की पावर अगर देखेंगे सो so ये हो गया माइनस ट्वेंटी सेवन उसका हमने स्क्वायर करना है तो हो जाएगा फिफ्टी फोर उसको आपने मल्टीप्लाई करना है आ, या उसमें ऐड करना है ये हो गया माइनस फिफ्टी फोर उसमें अगर हमने इलेवन और ये नाइन यानी कि ट्वेंटी और ऐड किया ऑल सो फिफ्टी फोर प्लस ट्वेंटी विल बी इक्वल टू सेवेंटी फोर और जब आप इसका अंडर रूट लेंगे सो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका सेवेंटी फोर का हाफ हो गया टेन टू दी पावर माइनस थर्टी सेवन की रेंज आ गई और यहाँ पे सिक्स पॉइंट नाइन इंटू वन पॉइंट सिक्स वन पॉइंट सिक्स डिवाइड बाई नाइन ये आपका वन पॉइंट समथिंग ही रहेगा सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि टेन टू द पावर माइनस थर्टी सेवन जो है दैट वुड बी द क्लोजेस्ट रेंज सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर